तो फेस्टिवल सीजन है, कुछ मीठा खाने का तो मन करता हो, कुछ मिठाई हो, ऐसा कुछ खाने का तो मन करता हुआ, इसलिए मैं पनीर की बर्फी बना रहा हूँ। पनीर की बर्फी खाई कभी नहीं? तो फिर एक काम करना, वीडियो पूरी देखना और पसंद आए लाइक करना। और ये सारी वीडियो मैं ही बना रहा खुद अकेला, इसमें एक्टिंग प्रोड्यूसिंग सब कुछ ए टू जेड सारे, इसलिए एक लाइक तो बनता है भाई। देख और चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। अब देखो वीडियो। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर को लिया, इसको घर पे बनाया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि पनीर घर पे कैसे बनाते हैं। तो अब अपने को पनीर को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर में पनीर को डाल लेंगे। अगर घर पे ग्राइंडर नहीं है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं पनीर को। तो चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं हम लोग। ये हमने पनीर को ग्राइंड कर लिया है, तो देखिए पनीर कैसा हो गया, पतला पतला सा। तो अब चलो किचन में चलते हैं, बर्फी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे स्टिकी कढ़ाई ली है पनीर की बर्फी बनाने के लिए। अब देखना इसमें स्टिकी कढ़ाई में बनाऊंगा आज पनीर की बर्फी। आम तौर पर हर घर पे मिल्क पाउडर नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे जो मिल्क के ऊपर मलाई आई होती है ना, वो उतार ली थी, वो डाल दी है और थोड़ा सा दूध डाल दिया फुल क्रीम। अब जो पनीर हमने ग्राइंड किया था ना, अब उसको डाल देंगे हम इसमें। पनीर को अब हमको 2 मिनट तक पकाना है मिला के ऐसे। यहाँ पे हमारा पनीर बिल्कुल पक गया अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सूजी डाल देंगे 50 ग्राम। सूजी से क्या होता है, टेस्ट बढ़िया और स्मेल भी बढ़िएगी सूजी की। जो पास वाली दुकान है ना, बस उस पर जाके बोलना है कि सूजी है, तो वो कहेगा हाँ है, तो कह देना उसको 5 रुपये की दे दो बस। सॉरी मैं ना थोड़ा सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ, बाकी बस दुकान पे बोलने खाने वाली सूजी है क्या। सूजी को इसके अंदर हमको ऐसे 3 मिनट तक पकाना है, 3 मिनट। तो बर्फी हमारी मीठी होती है, तो चलिए अब हम इसको मीठी बना देते हैं। इसलिए हम इसके अंदर बूरा डाल देंगे। आप बूरा ही यूज़ करना, क्योंकि बूरे से जो टेस्ट आएगा ना वो बढ़िया था। बूरा डाल के मिक्स कर दें। आप यूज़ तो वैसे चीनी भी कर सकते हो, बट बूरा का टेस्ट बढ़िया होता है। ये मैंने लौंग और इलायची को कूट लिया था। अब इसको डाल दें हम। 1 चम्मच आप इसकी डाल देना, अच्छे से स्मेल आएगी, बढ़िया स्मेल हो जाएगी। हर घर में नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं होती है, तो मैंने भी यहाँ स्टिक की कढ़ाई को लेके उसके अंदर पनीर की बर्फी बनाना केवल आपके लिए, बस आप लोगों के लिए, इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है। तो हमारी पनीर की जो डफ है ये रेडी है, तो चलिए पनीर की बर्फी बना देते हैं। तो
तो पनीर ठंडा होने के बाद मैंने क्या करा, इसको किसी थाली में या प्रांत में निकाल लिया। हम मैंने थाली में निकाल लिया इसको। अब इसको बर्फ़ी बनाने के लिए हम सेट कर लेंगे, इसलिए आप हाथ का यूज़ करें, हाथ से बढ़िया बर्फ़ी सेट होती है। ये हमने बर्फ़ी के लिए सेट कर लिया पनीर को, तो चलिए अब इसको गार्निश करते हैं। इसलिए मैंने काजू बादाम और किशमिश लिए हैं, चलिए अब इनके साथ गार्निश कर देते हैं। आप ऐसे गार्निश कर दें। जो काम ना हाथ से होता है ना, वो काम लेडल से नहीं होता, तो आप ज़्यादा हाथ का यूज़ करें। तो ये बर्फ़ी बनने के लिए रेडी है। तो अब चलिए अब हम इसे बर्फ़ी की शेप में काट लेते हैं किसी शार्प नाइफ से। अगर ऐसा काटते वक्त ना हमारा पनीर अगर निकल जाए ना ऐसे, तो उसको वापस सेट कर देना, क्योंकि अभी तक हमारा पनीर सेट नहीं है इसमें। तो हमने इसको बर्फ़ी की शेप में काट लिया है, तो इसे चलिए 2 घंटे के लिए हम फ्रीज कर देते हैं, ताकि सेट हो जाए पनीर अच्छे से। पनीर जो है ना अपना सेट हो गया, बिल्कुल रेडी है। 2 घंटे के बाद की है वीडियो, तो चलिए बर्फ़ी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल रेडी, हम आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ, देखिए। मैं यहाँ पे बर्फ़ी को तोड़ कर भी दिखा देता हूँ कि कितने दानेदार बनी है ये। है ना कितनी दानेदार मुलायम मुलायम अपनी बर्फ़ी। तो चलिए अब चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो और घंटे वाला बटन दबा देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। चलो बाय बाय, टाटा।